हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास टेंथ आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि कैसे रिफ्रैक्शन होती है लेंसेज के बीच में से। तो लेंसेज हमारे पास सबसे पहले समझ लेते हैं कि लेंस क्या होते हैं। तो लेंस हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह है जिसमें रिफ्रैक्शन होती है, एक ग्लास मीडियम जैसे आप मान सकते हो एक लेंस को। और हमारे पास जो लेंस है बेटा, लेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। तो कन्वेक्स और कनकेव दो तरह के लेंसेज हैं, जिनमें अगर इनको ड्रॉ करके बताया जाए तो कन्वेक्स लेंस जो होता है वो समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जिसमें हम लोग इसको अच्छे से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो दूसरा ले लेते हैं तो कन्वेक्स लेंस जो होता है आपका वो सेंटर में से होता है थिक, बट साइड में से होता है थिन। बट कंकेव लेंस जो होता है वो आपका बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाता है, मतलब कि वो सेंटर से थिन होता है बट साइड से क्या होता है थिक, जैसे कि आप देख रहे हो राइट। ये आपका है कंकेव लेंस और ये आपका है कन्वेक्स लेंस। तो चलिए अब डिटेल में हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम लोग को ये बोर्ड पहले साफ करना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं पार्टीशन राइट। तो अब हमारे पास बेटा सबसे पहले इधर लिख लेते हैं कि कन्वेक्स क्या है और इधर लिख लेते हैं कनकेव क्या है। यहाँ पे कनकेव लेंस और कनकेव मिरर की बात नहीं हो रही, लेंसेज की बात हो रही है, जैसे कि हमने मिरर में भी ये एक दोनों नेम सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, बट ये बिल्कुल उनसे ऑपोजिट जाएंगे फाइन। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इनकी शेप ड्रॉ करती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होता है एंड कनकेव लेंस कुछ इस तरह का होता है, जो कि साइड से थिक और सेंटर से थिन होता है। जैसे मिरर्स के केस में भी हम उनको सेंटर पॉइंट देते थे, वैसे ही हम इनके केस में भी एक सेंटर पॉइंट रखते हैं। बेसिकली लेंस भी एक स्फीयर का ही हम लोग पार्ट लेते हैं, जिनका ऑफ कोर्स सेंटर रहता है। और जैसे सेंटर में से लाइन अगर पास करवाते थे मिरर में से, उनको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे। तो सिमिलरली इन दोनों के केसेस में भी बेटा हमारे पास एक लाइन जो है स्ट्रेट इसके सेंटर में से, लेंस के सेंटर में से जाएगी, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं फाइन, प्रिंसिपल एक्सिस इन बोथ द केसेस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब वहां पे मिरर्स के केस में क्या होता था, हम लोग सेंटर जो होता था मिरर का उसको क्या बोलते थे, सेंटर को पोल। बट यहां पे हम लोग की जो सेंटर है इसको बोलते हैं लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर। इन दोनों के ही केसेस में हम लोग इस सेंटर को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर फाइन। अब यहां पे क्या होता है, बेसिकली हम लोग यहां पे एक पार्टीशन शो करते हैं दोनों के केसेस में, कन्वेक्स लेंस के केस में भी और कन्वेक्स मिरर के केस में भी, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों के केसेस में हम लोग यहाँ पार्टीशन शो करते हैं। बेसिकली ये पार्टीशन हमारे पास क्यों है, ये मेन हमें यहाँ पे सिर्फ इतना है कि ये अगर हमारे पास रिफ्रैक्शन होगी तो इस लाइन के बाद में होगी है रिफ्रैक्शन, मतलब कि जैसे हमारे पास अगर ये लाइट रे अगर कोई आ रही है तो यहां तक एज इट इज जाएगी एंड आफ्टर दिस पॉइंट और दिस लाइन ये यहां से रिफ्रैक्ट होगी। वो कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगी, बट असल में ये चीज क्या होती है वो मैं आपको अब बताऊंगी डिटेल में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दोनों के दोनों लेंसेज हैं इनको हम एक और नेम दे सकते हैं, जिसमें कन्वेक्स लेंस जो है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब ये जो दो नेम है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, इनका मतलब पहले समझा दो कि कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे आके सारा मीट कर जाना, मतलब जितनी भी रेज आएंगी, और कन्वेक्स लेंस के केस में वो अगर स्ट्राइक कर रही है रिफ्रैक्शन हो रही है तो वहां पे एक ही पॉइंट पे वो सारी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो मीट कर जाएंगे, जिसको हम कन्वर्ज कह देते हैं, मतलब एक पॉइंट पे मीट करना। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग उससे उल्टा, मतलब वो बिखर जाएंगी। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इनको क्यों बोला जाता है वो मैं आपको
डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया ये एक मिरर पॉइंट, इसको हम लोग वही कि पार्टीशन कर लेते हैं। अगर हम लोग ये पार्टीशन करते हैं तो यहां से देखा आपने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट इट ओके, आप लोग अच्छे से बना सकते हो क्योंकि आपके पास प्रॉपर पेन कॉपी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक सेंटर पॉइंट वही फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें से क्या होगा कि एक हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है। अब होता क्या है कि ये लाइन हम लोग बच्चों को इसलिए ड्रॉ करवाते हैं तो उनको बनानी आ जाए डायग्राम। तो जब हमारे पास एक लाइट रे ऐसी स्ट्राइक करती है, इन दी केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एरोस मस्ट है, तो आफ्टर दिस लाइन वो रिफ्लेक्ट करती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इन दी केस ऑफ कन्वेक्स लेंस ये एक पॉइंट पे यहाँ पे आके पड़ती है और इस पॉइंट को हम लोग मानते हैं फोकस। ठीक है, अगर मैं इधर से देखूं तो इधर केस में भी ऐसे ही आएगा कि स्ट्रेट आई लाइन और स्ट्रेट आके एक पॉइंट पे यहाँ पे मीट करके फाइन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस कन्वेक्स लेंस जो लाइट रेज जितने मर्जी जब भी आएंगे वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे, इसी वजह से इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। बट अगर हम लोग बात करें कन्वेक्स कनकेव लेंस की, तो सबसे पहले तो कनकेव लेंस हम लोग बना लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा बन गया है कनकेव लेंस, जिसको हम लोग वही पहले पार्टीशन कर देते हैं इसकी और यहां से हम लोग एक सेंटर से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और यहाँ पे मैं बताऊंगी कि अगर आपके पास लाइट रे आ रही है तो यहाँ पे वो इस लाइन के बाद वो खुद को डाइवर्ज मतलब वहां से अलग कर देगी, मतलब एक पॉइंट पे मीट नहीं होगी रे। अगर मेरी लाइन में इधर से भी शो कर हूं तो इस केस में भी क्या होगा, वो डाइवर्ज हो जाएगी मतलब फिकर जाएगी, इधर उधर चले जाएगी, वो एक पॉइंट पे हमारे पास नहीं मीट करेगी। बट हमें पता है कि हमारे पास इमेज वहीं बनती है जहां पे वो लाइट रेस मीट करती है। तो जैसे स्फेरिकल मिरर के कन्वेक्स मिरर के केस में भी हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते थे लाइट रेस को, तो सिमिलरली इसके केस में भी हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे अगर इधर करते हैं। तो दोनों के केसेस में अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट मिलता है जिसपे हम लोग देख पाते हैं कि इमेज कैसे बन रही है। फाइन, तो ये दोनों के केसेस में ऐसा होता है। तो मैं आपको बता दूं बेसिकली ये चीज ऐसी कैसे होती है, तो मैं आपको डिटेल में अगर ये चीज बताऊं कन्वेक्स लेंस की, अगर मैं डिटेल में बताऊं थोड़ा सा, तो मैं आपको बता दूं उसके लिए सबसे पहले कि कन्वेक्स लेंस कुछ ऐसे का बेसिकली हम लोग मान के चलते हैं कैसे रिफ्लेक्शन होती है, कि हमारे पास एक ऊपर ट्रायंगल है, एक ही हमारे पास रेक्टेंगल है और एक फिर से हमारे पास नीचे ट्रायंगल है। फाइन, और सिमिलरली जैसे उसको पार्टीशन में रखा है तो सिमिलरली इसको भी हम लोग यहाँ पे पार्टीशन में रख लेते हैं। फाइन, अब जब यहाँ पे पार्टीशन में रखते हैं तो फिर से एक जो लाइन हमारी पास करेगी सेंटर में से, तो वो हम लोग पास करवा लेते हैं जिसमें आपको ऑप्टिकल सेंटर मतलब सेंटर मिलेगा मिरर का, सेंटर मिलेगा लेंस का। तो अब मेन जो मुद्दे की बात है हमारी कि लाइट रे आई, अब लाइट रे मान लो यहाँ पे ऐसे आई, अब कल जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन में जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, मतलब कि ये अगर रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम अगर है आपका, तो हमारे पास उस दूसरे मीडियम के सरफेस या बाउंड्री जो उनको अलग अलग कर रही है, उस बाउंड्री पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करता है तो वो नॉर्मल बताता है कि आगे क्या होता है। वैसे कायदे से इसको एज इट इज यहाँ पे निकल जाना चाहिए ना, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग को नॉर्मल ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कि असल में क्या होगा इसके साथ। तो नॉर्मल मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन इधर है तो इसके ऊपर एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फाइन,
ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब ये नॉर्मल बताएगा कि क्या होगा, जैसे कि रेयर से कैंसर हमारे पास लाइट रे जाती है, तो क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो लाइट रे है वो बेंड कर जानी चाहिए टुवर्ड्स द नॉर्मल। कि अगर ये लाइट रे रोटेट ऐसे जाती है लेकिन रेयर टू कैंसर जाने की वजह से ये क्या आ जाएगी, यहां पे कर जाएगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये फिर से डेंसर है और ये रेयरर है बाहर फिर से, मतलब हमारे पास डेंसर से रेयरर की तरफ हमने फिर से जाना है, डेंसर से रेयरर की तरफ जाना दैट मींस कि हमें फिर से एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो नॉर्मल हमें बताएगा एग्जैक्टली कि क्या होगा, तो कायदे से इसको कैसे जाना चाहिए था, एज इट इज चले जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन हमारे पास ये ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज कर रही है। तो अगर डेंसर से रेयरर हमारे पास लाइट रे जाती है तो हमारे पास क्या होता है कि लाइट रे जो है वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब जाना उसको ऐसे चाहिए था बट वो अब नॉर्मल से भी दूर चली जाएगी, मतलब इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। तो असलियत में जो हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है थ्रू द लेंस वो ऐसे करके कुछ होती है जिसको हम ऐसे शो करते हैं, फाइन। तो असलियत में रिफ्रैक्शन कैसे होती है कि हमें सिर्फ एक नॉर्मल ही बताता है कि आगे क्या होगा रे ऑफ लाइट के साथ जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो यहाँ पे जब ये हमें लाइट रे मिलती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसको हम पॉइंट को बोलते हैं फोकस, फाइन। तो देखा आपने कितना इजी है रिफ्रैक्शन को समझना इस लेंस के थ्रू। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि रिफ्रैक्शन बेसिकली होती कैसे है, फाइन। तो रिफ्रैक्शन हमारे पास अब कन्वेक्स लेंस के केसेस में 6 टाइप्स की होगी, मतलब कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग पोजीशन जो इमेज की है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, और वो कैसे की रहेगी वो इमेजेस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको फिर से कर देती हूँ रेस, बट वो रे डायग्राम्स को समझना और उनको करना अगर है तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वो रूल्स ही फॉलो करेंगे, जिसके लिए मैं आपको फिर से यहाँ पे एक पार्टीशन शो कर दूंगी कनकेव और कनवेक्स लेंस के बीच में, सो दैट आपको इजीली वो रूल्स समझ लग जाए, फाइन। तो सबसे पहला जो रूल है वो है हमारा कि अगर हम ये यहाँ पे बनाते हैं लेंस, तो फिर से एक तो करेंगे सबसे पहले इसकी पार्टीशन और इसको ऐसा करते हैं दोबारा बना लेते हैं थोड़ा अच्छा सा बड़ा, क्योंकि तुम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए ये हमने बना दिया एक अच्छा सा क्यूट सा लेंस और इसको हमने यहाँ पे कर दिया डिवाइड और यहाँ पे हमारी हो गई ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, राइट। तो अगर आपके पास रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल आ रही है, तो सबसे पहली बात जो मैंने अभी बताई थी कि वो इस लाइन तक एज इट इज ही जाएगी हमारे पास, आफ्टर दिस लाइन यहाँ पे क्या होगी रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये कुछ ऐसे की हमारे पास रे ऑफ लाइट जो है नजर आएगी, फाइन। और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी वहां पे हमें क्या मिलता है फोकस, और फोकस यहाँ पे F2 और लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेम डिस्टेंस पे क्या मिलेगा फोकस F1। अब यही केस अगर मैं कंकेव लेंस की साइड करती हूँ तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्यूट सा कंकेव लेंस ही बना लेते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे ये पार्टीशन हो गई और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब इसके केस में भी अगर तो एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि कंसीडर करेंगे एक रे जो लाइट की हम लोग कंसीडर करेंगे, इन द केस ऑफ कनकेव लेंस क्या होता है कि ये जो लाइट रे ये हो जाती है डाइवर्ज, बट जैसे कि हमें पता है कि इमेज वहां पे मिलेगी जहां पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे बैकवर्ड इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे आपके पास एक फोकस मिलेगा जो कि F1 है और यहाँ पे इधर साइड पे सेम
डिस्टेंस पे एफ टू बस राइट। तो सेकेंड जो इसका केस है वो बहुत ही सिंपल है क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट जाता है इसके जो हमने अभी ऊपर किया है, जिसमें हमने एक लेंस बना लिया है, इसको डिवाइड कर दिया क्लाइन के थ्रू और ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे आ गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर लेंस का राइट। तो यहाँ कहीं पे हमारा फोकस एफ वन है और यहाँ पे एफ टू फोकस है। अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट किसी भी एंगल से इस वाले सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो ऑफकोर्स वो इधर वाले साइड पे हमें किसी पॉइंट पे फोकस में मिलेगी। बट अगर हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है फोकस से पास करके इधर जाएगी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर वो फोकस से पास करके इधर जाती है तो सबसे पहली बात कि वो यहां तक क्या जाएगी एज इट इज, और आफ्टरवर्ड्स आफ्टर रिफ्रेक्शन ये पैरेलल चली जाएगी किसके प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये रूल इसके कह सकते हैं कि ऑपोजिट जा रहा है भाई, कि अगर तो पैरेलल थी तो वो फोकस पे चले जाएगी, अगर फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगी आफ्टर रिफ्रेक्शन। अगर यही केस हम लोग डिस्कस करें कंकेव लेंस के केस में, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कंकेव लेंस, ठीक है। और इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टीशन करेंगे इसकी लेंस की और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे एक लाइन जो कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और इसके केस में वही कि अगर तो हमारे पास किसी भी एंगल पे स्ट्राइक करेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कर्व ज्यादा मिलेगा, किसी भी एंगल पे अगर स्ट्राइक करती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये हमारे पास क्या चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और मैं आपको बता दूं कि वही अगर ये इसको इधर हम लोग करते हैं एक्सटेंड तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, एक फोकस, और सेम डिस्टेंस पे इधर भी क्या मिलेगा, फोकस F1 और इधर F2, लेफ्ट साइड पे सारे 1 के साथ और राइट साइड पे सारे 2 के साथ हम लोग करेंगे डिस्कस फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये दो केसेस है जो कि बहुत ही इजी है, जब लेकिन जो इसका थर्ड केस है ना वो आप बोलोगे कि ये तो मैम सबसे ज्यादा इजीएस्ट है क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है, ध्यान से देखना क्यों नहीं करना। ये हमने लिया लेंस, ये हमारे पास हुई इसकी पार्टीशन और ये हमने ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है, लाइट रे जो आ रही है ना वो पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से, और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक कर रही है तो वो एज इट इज ही बाहर निकल जाएगी, मतलब कि हमारे पास वो सीधी की सीधी निकल जाएगी, कहीं पे भी बैंड नहीं होगी अगर वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है। सिमिलरली सर केस कुछ कंकेव लेंथ में भी देखने को मिलता है, जिसमें फिर से कि आपको रिफ्रेक्शन लेंसेस में करने के लिए भी प्रॉब्लम ना हो तो क्या करोगे, पार्टीशन करोगे और उसके बाद आप एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे, ऑप्टिकल सेंटर बनाओगे वहां पे। और इसमें भी अगर तो आपकी लाइट रे स्ट्राइक करेगी ऑप्टिकल सेंटर में तो एज इट इज ही निकल जाएगी, मतलब कोई भी रिफ्रेक्शन नहीं होगी, एज इट इज सेम पाथ से वो चले जाएगी, क्रॉस कर जाएगी लेंस में से। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स थोड़े से दोनों के केसेस में, कन्वेक्स लेंस के केस में भी और कंकेव लेंस के केस में भी, सो दैट कि आपको रे डायग्राम्स जो हैं इनके रिलेटेड वो अच्छे से समझ लग जाए, क्योंकि जब तक ये रूल्स तुम लोग को क्लियर नहीं होंगे दिमाग में आपको रे डायग्राम्स समझ नहीं लग सकती। तो बहुत ही जरूरी है कि आप ये रूल्स अपने दिमाग में बिठा लो सो दैट आपकी जो रे डायग्राम्स है बहुत ही अच्छे से बन सके फाइन। तो आप अच्छे से इनको पढ़ो एंड टिल देन बी सेफ बी एट होम, और कल मिलते हैं दोबारा ऑन द सेम टाइम जिसमें हम लोग रे डायग्राम्स डिस्कस करेंगे लेंसेज की, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच।